हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लास्ट टाइम में सीटेट की तैयारी कैसे करें। जैसे कि अभी आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा है, अभी 10-12 दिन बचे हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आप जो है 5 दिन के बाद भी देख रहे हैं, यानी कि आपके पास 7 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, या सीटेट एग्जाम से आप 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक जरूर देखें, और पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बात यह है आपकी यहाँ पे कि लास्ट टाइम में हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाएं या क्या चीजें पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोनों चीजें। हम ये तो फोकस करते हैं हमेशा कि हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए और ये मतलब कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें हम हमेशा यही देखते हैं कि क्या पढ़ें। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या ना पढ़ें? क्योंकि भाई अगर आप लास्ट टाइम की बात कर रहे हो ना, तो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज होती है लास्ट टाइम में आपका टाइम। और अगर आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको यही नहीं पता कि हमें क्या चीजें छोड़नी है, और आप जो है अनयूजफुल मतलब यूजलेस चीजों पे जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी हो गई। इसलिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, और कैसे पता चलेगा वो अभी बताने वाला हूं मैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो काफी कमेंट आ रहे थे इसके कि हम जो है सर जी लास्ट टाइम में मतलब किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या प्लानिंग करें, वो सब चीजें, उसके लिए कोई वीडियो बना दो ताकि हम जो है अपने टाइम को प्रॉपरली यूज कर पाए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि लास्ट टाइम में होता क्या है, दो चीजें हैं जो कि आपके कमेंट में भी आ रही थी काफी ज्यादा। पहली चीज तो है फोकस और दूसरी चीज है आपका फियर, यानी कि आप जो है पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते लास्ट टाइम में, लास्ट डेज में जब आपका एग्जाम आने वाला होता है। दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर जो है एक डर पैदा हो जाता है, और डर इसी वजह से होता है जब आप फोकस नहीं कर पाते तो ये लगता है कि क्या हमारा सीटेट पास हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हम एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो ये सब डर हो जाता है। अब ये क्यों होता है, इसकी वजह और देखते हैं। इसकी वजह भाई ये है आपकी, पहली चीज तो है नो प्लानिंग, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती कि मुझे क्या करना है इन डेज में। दूसरी चीज नो टाइम मैनेजमेंट, आप जो है टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, ये टाइम मैनेजमेंट करते नहीं है। तीसरी चीज नो फिक्स्ड स्टडी मटेरियल, आपके पास कोई निश्चित जो है पठन सामग्री नहीं है कि आप कहां से पढ़ें और कहां से ना पढ़ें। चौथी चीज नो गाइडेंस, आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, आपके पास जो है कोई निर्देश नहीं है कि आपको किस राह पे चलना है, किस किस तरह से काम करना है। उसके बाद है बिलीव ऑन योर सेल्फ, यानी कि अपने आप पर विश्वास होना। जब भाई ये चीजें आती है ना, फोकस नहीं हो पाता, डर जो है आपके अंदर आने लगता है, तो अपने ऊपर से विश्वास भी उठने लगता है। और जब अपने आप ऊपर विश्वास आ जाता है तो ये चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं, डर वर सब अपने आप गायब हो जाता है जब खुद पे भरोसा होता है। अब ये तो थी हमारी प्रॉब्लम्स, अब इनके जवाब यानी कि सॉल्यूशन क्या होंगे, किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब समझ लो ढंग से, क्योंकि भाई कहे तो बहुत लोग देते हैं और आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, बेटा प्लानिंग करो, किसी भी काम को करना है ना तो उसके लिए एक प्लान बनाओ। प्लान का मतलब क्या है ये भी तो समझना जरूरी है, प्लान बस ऐसे ही बन जाएगा कि यहाँ पे समझते हैं। प्लान का मतलब ये है कि पहली चीज ये है कि आप एग्जाम कौन सा देने जा रहे हो, सीटेट, कितने नंबर का है, 150 मार्क्स का, आपको कितने नंबर चाहिए ये सोचना पड़ेगा, कितने नंबर चाहिए, मुझे 90 नंबर चाहिए। बहुत लोगों का जवाब ये होगा कि मुझे तो पास होना है, 90 नंबर चाहिए। कुछ लोग कहेंगे 100+ होने चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं 120 नंबर चाहिए मुझे, भाई इससे कम में मजा नहीं आएगा। प्रॉपरली है ना, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं ना 120 नंबर आएंगे, तो भाई ये भी गलती है, ये भी गलत है सोचना, क्योंकि अगर 120 नंबर चाहिए तो आपको 3 महीने पहले से तैयारी शुरू करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी। अब कोई बाहुबली तो बन नहीं सकता 2 दिन में। तो ये है कि लास्ट टाइम में अगर स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो पास जरूर हो सकते हैं। तो वो अगर आप कर सकते हैं, मतलब आपका स्तर है इतना, तो आप 120 भी ला सकते हैं, 130 भी ला सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहाँ पे स्तर है। तो पहली चीज ये होती है कि हमें जो है ये सेलेक्ट करना होगा कि हमें कितने नंबर लाने हैं। मान लीजिए मुझे 100 नंबर लाने हैं, या 100+ या 110, जितनी भी आपकी स्ट्रेटजी है, मतलब ये है कि प्लानिंग का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ये आपको पता चल गया। फिर आपको ये देखना होगा कि इसमें जो है मटेरियल कहाँ से आता है, सीटेट का मटेरियल, सिलेबस देखने के बाद। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जरूर देखें। अब जब आपने सिलेबस देख लिया और आपको पता चल गया, उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक पे किस तरह के प्रश्न आते हैं, कि क्या उनका लेवल होता है, हार्डनेस कितनी होती है, वो सब चीज आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कहाँ से किस तरह से पेपर आ रहा है वो सब चीजें, तो आपने ये कहा कि मेरे को 100 नंबर लाने हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 100 नंबर लाने के लिए कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे टॉपिक लिख लो। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई भी है, वो आपको सीटेट गाइडर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक बता रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। जब आपने ये प्लानिंग कर ली, उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे ये टॉपिक जो है कहाँ से मिलेंगे, चाहे वो लिखित रूप में मिले चाहे वो ऑनलाइन वीडियो के रूप में मिले, वो देखना पड़ेगा। हालांकि हमारे चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे, लेक्चर वीडियोस में भी हैं। तो ये यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से मिलने हैं। अब जब आपने ये देख लिया कि मैंने ये टॉपिक जो है मुझे कहाँ कहाँ से मिलने हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, वो सारी चीजें, उसके बाद में प्लानिंग करने के बाद अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर पाऊंगा इतने दिन में। अब इस स्टेज के बाद प्लानिंग आपने सब कर ली ना, उसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। जब आपने टाइम जो है सारे टॉपिक्स और सारी चीजें डिस्कस कर ली, मतलब सारे प्लान कर ली, उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए कितना टाइम चाहिए। मान लीजिए आपको कितना डेली का, 6 घंटे चाहिए, हो सकता है आपको 4 चाहिए हो, किसी किसी को 7 भी चाहिए होंगे। तो भाई आपको अब आपको डेली में से 6 घंटे निकालने हैं अपने पूरे प्रतिदिन में से। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे डेली में क्या क्या काम मैं करता हूँ, या मेरे जो है जो भी वर्क है, तो उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे होंगे जिनको आपको इन दिनों बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे काम हमारे जो है बेकार के होते हैं, या हम इंजॉयमेंट के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए वो सारे काम करते हैं, तो उन कामों को बंद कर दो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जरूरी भी होते हैं, मतलब घर के कुछ काम ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपको घर की सफाई करनी है, ऐसे भी काम होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भाई घर की सफाई 10 दिन बाद भी हो सकती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपके आप उनको स्किप कर सकते हो, तो उन कामों को हटाओ आप। बहुत सारी चीजें, मान लीजिए आपको शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग 10 दिन बाद भी हो सकती है। मान लीजिए आपको शादी में जाना है, मत जाओ, जरूरी है क्या? आपके बिना शादी नहीं रुकेगी किसी की। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ की बात चल रही है, भाई एग्जाम क्लियर करना है, लाइफ बनेगी आपके आगे। तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आप हटा सकते हो, हटा दो, बिना सोचे समझे हटा दो। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, एक ही निश्चित लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे इंजॉयमेंट को अभी गोली मार दो 10-20 दिन के लिए, जितना भी आपके पास 5 दिन का 10 दिन का टाइम है, इंजॉयमेंट को खत्म कर दो। मतलब मनोरंजन वगैरह ये सब, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप जो है हंसना बंद कर दो, ऐसा नहीं है, आप हंसना बंद मत करना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है इंजॉयमेंट के लिए, छोटा छोटा करो, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, पूरे दिन में से आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे सुबह में 9 बजे से उठ के 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, फिर शाम को मुझे 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करनी है, रात को मुझे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई करनी है। मतलब ये सब क्या है, ये आपको टाइम फिक्स कर देना है, जिस जिस टाइम पे आपको टाइम मिलता है, और उस टाइम को फिक्स करने के बाद उस पे अमल करना है। अगर 9 बजे आपका अलार्म बज गया ना, तो सारे काम छोड़ दो और आपको 9 बजे पढ़ने बैठ जाना है, समझ रहे हो? तो ये होता है, मतलब डिसिप्लिन भी आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, लास्ट टाइम है तो सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका फिक्स्ड स्टडी मटेरियल। तो फिक्स तो हमने यहाँ पे कर लिया, मतलब हमने यहाँ पे प्लानिंग कर ली थी ना कि कौन कौन से टॉपिक हमें चाहिए, लेकिन ये कहाँ से मिलेंगे वो आपको ढूंढना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है बुक्स बहुत सारी होती हैं, इतनी सारी बुक्स रखी होती हैं, उन बुक्स में हमें यही पता नहीं चलता कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। अब आप सोचोगे नई बुक ले, कोई नई बुक लोगे फिर से, तो फिर से वही प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपको पता भी नहीं होगा। बहुत सारे हम यही करते रहते हैं कि बुक्स इकट्ठी करते रहो, और मतलब सर दर्द बढ़ता रहता है। तो जो बुक्स आपके पास हैं अभी फिलहाल, उनमें से क्या करना है आपको, उनमें से वो टॉपिक ढूंढ लेने हैं, चाहे आपको कितना भी टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो उनमें से वो टॉपिक जो जो हमें पढ़ने हैं उनको ढूंढ लो। और ढूंढने के बाद में, ये भी आपका प्लानिंग के अंदर ही आ रहा है ये चीज, तो उन टॉपिक्स को ढूंढने के बाद फिर उनको पढ़ाई स्टार्ट करो। और अगर आपको नहीं भी मिलते हैं, तो जिन लोगों ने हमारे मटेरियल, मतलब हमारा जो है नोट्स ले रखे हैं, वो तो कम्प्लीटली उनके पास मटेरियल है, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी से पढ़ाई करो और साथ में वीडियोस देखते रहो, प्रैक्टिस सेट करते रहो, काम खत्म हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और भाई यहाँ पे मैं सजेशन भी आपको यही दूंगा कि आपके पास अगर स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनके पास है उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिनके पास नहीं है तो वो नोट्स मंगा लो, और नोट्स से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर जी अगर इतने ही हेल्पफुल हैं नोट्स, और आप लोग आप मतलब हमें सजेस्ट भी कर रहे हो, तो आप हमें ऐसे ही प्रोवाइड करा दो, तो भाई उसकी भी बहुत सारी वजह है। देखो उसकी वजह ये है कि आपसे पहले हजारों स्टूडेंट्स ने नोट्स ले लिए हैं, और उन्होंने पेमेंट किया है, और उसके बाद उनको नोट्स मिले हैं। तो अगर आपको मैं ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगा, मान लीजिए 100 लोगों ने अगर पेमेंट दे के लिया है, और अगर मैं 2 लोगों को भी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा ना, तो उन 100 लोगों को, मतलब उन 100 लोग क्या सोचेंगे कि हमें जो है मतलब पेमेंट के बाद मिले हैं और इनको फ्री में दे दिया, तो ये हमारे साथ में क्या हो गया, टॉपिक
पक्षपात हो गया एक तरह से। और सिर्फ पक्षपात वाली बात नहीं होती, बल्कि इंपोर्टेंस कम हो जाती है। अगर मैं एक बंदे को भी फ्री में दे दूंगा ना, हालांकि वो अलग बातें हैं, लेकिन बाकी जो होंगे तो वो सब ये सोचेंगे कि ये फ्री में क्यों दे दिया, तो उनकी इंपोर्टेंस कम हो जाती है। और जब इंपोर्टेंस कम हो जाती है ना, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता फिर। तो इसलिए यहाँ पे जो है फिक्स चीज रहेगी और सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब नोट्स आपको मिलेंगे कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा 8532855503। ठीक है, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना पेपर लिख के, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। साइंस के अवेलेबल नहीं है फिलहाल अभी, बाद में भले ही हो जाएं। और एसएसटी आपके पास है तो वो आपको लिख के भेजना है, आपके पास कौन सी लैंग्वेज कौन सी है वो सब लिख के तब आपको मैसेज करना है, तो उससे आसानी रहेगी आपको भी हमारी भी। जिन लोगों को नोट्स लेने ही होंगे, चार्जेबल है ये अभी बता रहा हूँ, बाद में ये बहुत लोग मैसेज में फिर बहस ही करते हैं, मतलब काफी टाइम बर्बाद कर देते हैं हमारा भी अपना भी। तो नोट्स के लिए आपको पेमेंट ही करना होगा और फिक्स पेमेंट करना होगा, इसलिए जो है आप सोच समझ के तब मैसेज करें ताकि टाइम बचे हमारा भी और आपका भी। ठीक है, उनको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ में जो हमारी न्यू वीडियोस आती रहेंगी, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं जिन पे लेक्चर वीडियोस आने बाकी हैं, नई नई वीडियोस डेली आ रही है, उनको आप देखते रहेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुश्किल से 2 घंटे में डेली अगर यूट्यूब पे दे रहे हो आप चैनल पे हमारे, तो काफी है, उससे काम चल जाएगा आपका। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट है आपकी हाउ टू सॉल्व पेडागोजी नाम से, उसके अंदर आपको पेडागोजी को सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिक्स और तरीके बताए गए हैं, क्योंकि भाई 90 नंबर की पेडागोजी है, तो वो जरूर देखें आप। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी जरूर देखें, तो वो देख लेना। उसके अलावा रही बात गाइडेंस की, तो भाई गाइडेंस के लिए आप जो है चैनल को फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तो गाइडेंस तो आपको मिलते रहेंगे फटाफट और बेहतर तरीके से। और सीक्रेट गाइडेड नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देखना आप लोग, हालांकि उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं, सब मत देखना, जो आपके काम की होंगी उन पे सब पे टॉपिक लिखे हुए हैं, तो जो आपको लगेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो वाली वीडियो देखो। सर टाइम मैनेजमेंट की, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व, उसकी भी वीडियो है। और मार्कशीट कैसे भरें, उसकी भी वीडियो है, मतलब बहुत हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो है सीटेट गाइडर प्लेलिस्ट के अंदर। जो टॉपिक आपको चाहिए सिर्फ वो वीडियो देखो, सब मत देखो। उसके अलावा भाई सबसे मेन है और सबसे लास्ट में इसलिए लिखा है मैंने, बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो, नोट्स पढ़ो, तैयारी करो, प्लानिंग के साथ में हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी विशेष आपके साथ हैं, तो बिल्कुल जो है आपका सीटेट क्लियर होगा और बेहतर तरीके से होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग करो और पढ़ाई करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी बता देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते रहेंगे आपको नई नई वीडियोज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।